दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, एक चिट्ठी वायरल हो रही है। 4 पेज की वो चिट्ठी है और उस चिट्ठी में जो आरोप लगे हुए हैं, अगर वो आरोप कहीं थोड़े बहुत भी सच हैं या कहीं ठीक हैं, तो फिर वो हरियाणा पुलिस की खाकी पर, हरियाणा पुलिस की वर्दी पर एक सवालिया निशान है। सोशल मीडिया पर जो पत्र वायरल हो रहा है, जो लेटर वायरल हो रहा है, और उसको लेटर नहीं कहा गया, उसको पत्र नहीं कहा गया, उसको शिकायत नहीं कहा गया, उसको सविनय निवेदन कहा गया है। आपको सारा बताऊं कि माजरा ऐसा है कि बांगर की धरती यानी कि हरियाणा का एक बांगर का क्षेत्र और वहां का एक जिला, उस जिले के पुलिस कप्तान पर, उस जिले के पुलिस अधीक्षक जो भारतीय पुलिस सेवा के IPS अधिकारी हैं, उन अधिकारी पर उन्हीं के जिले की महिला पुलिस कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। महिला पुलिस कर्मचारियों ने आरोप यह लगाया है कि पुलिस अधीक्षक जो वहां के SP हैं, पुलिस कप्तान हैं, वो उनके साथ में उनका शोषण करना चाहते हैं, शारीरिक शोषण करना चाहते हैं, उनके साथ में गलत रिलेशन बनाना चाहते हैं, और इसके लिए शिकायत में जो पत्र है, निवेदन वाला पत्र है, उसमें आरोप यह भी है कि एक महिला SHO और एक महिला DSP भी साथ हैं। अगर कुछ ऐसा है तो बात सारी बहुत शर्मनाक है। अगर कुछ ऐसा है तो ये सारा वाकया बहुत शर्मनाक है। आपको विस्तार से बताऊं कि जो लेटर वायरल हो रहा है, 4 पेज की जो चिट्ठी वायरल हो रही है, हम तो उसको लेटर ही कहेंगे, पत्र ही कहेंगे, शिकायती पत्र। लेकिन जिन पीड़ितों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने वो शिकायत दी है, उन्होंने कहा है कि ये इसे शिकायत ना समझें, उनका अनुरोध, निवेदन, उनकी विनय, उनकी अरदास, उनकी विनती, उनकी गुजारिश, आप कुछ भी समझें, कह रही है, क्योंकि शिकायतों पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होती। दरअसल जो सारी बातें हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे, उस पत्र के उसके मजमून को पढ़ेंगे, तो उससे 3 बातें साफ होती हैं। एक बात तो ये निकल करके आती है कि पुलिस का विभाग, पुलिस का महकमा ऐसा है कि जिसके अंदर जो मातहत कर्मचारी होते हैं, सीनियर ऑफिसर के नीचे जूनियर जो भी हैं, सबको न्याय देने वालों के लिए, अपने लिए न्याय की उम्मीद नहीं होती। एक तो बात यहां ये निकलती है। दूसरे, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अगर खेत बाढ़ को खा रही हो तो उसके अंदर यह आता है कि जिन पर सबकी सुरक्षा का दायित्व है, जिन पर सबकी रक्षा का दायित्व है, और अगर उस विभाग के बड़े आला अधिकारी पर ऐसे आरोप लगे महिला उत्पीड़न के, तो फिर राम ही रखवाला है। और सबसे प्रमुख जो तीसरी बात यह है कि पुलिस की व्यवस्था पर वो सवाल खड़े करती है, वो चिट्ठी जो शिकायती पत्र है, वो ये कह रही है कि अगर इसको शिकायत कहा जाए तो फिर शिकायतों पर लंबे समय कार्रवाई नहीं होती। यानी कि जो पुलिस के सिस्टम के अंदर की बात जानने वाले लोग अगर ये कहें कि शिकायतों पर कार्रवाई लंबे समय नहीं होती, तो फिर आम आदमी के लिए क्या। खैर, मैं आपको उस पत्र का मजमून बताऊं तो उसके अंदर लिखा है, मुख्यमंत्री के नाम वो चिट्ठी लिखी गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम, और वो चिट्ठी के अंदर जो शिकायत करता है, जो विनय करता है, जो विनती कर रही है, जो महिला पुलिसकर्मी, वो कह रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी पाई है। यानी कि उन्होंने सरकार की तारीफ की, सरकार की पॉलिसी को बताया, सरकार की पॉलिसी के बारे में कहा कि आपकी जो सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के, यानी कि बिना लेन देन के, बिना क्षेत्रवाद, बिना भाई भतीजावाद के जो नौकरी मिलती है, उसके तहत उन पीड़िता को पुलिसकर्मी की नौकरी मिली है। शिकायत में कह रही है कि पुलिस कप्तान ने उनको अपने अपने घर बुलाया था, और उनको घर बुलाया गया था महिला SHO के मार्फत, महिला थाना प्रभारी हैं वो, जिनके बारे में वो कह रही हैं शिकायत में, जो कह रही हैं उस शिकायत में सबके नाम है, पुलिस अधीक्षक का नाम है, SP का, यानी कि शिकायत के अंदर नाम है SHO का, शिकायत के अंदर नाम है DSP का। शिकायतकर्ता कह रही हैं, पीड़िता कह रही हैं कि उनको महिला पुलिस SHO उनको ले करके गई SP के निवास पर, पुलिस कप्तान के घर, जो उनका कैंप ऑफिस होता है। शिकायत में बता रही है कि पुलिस कप्तान के घर केवल जो उनका सुरक्षा गार्ड होता है वो था, और लोग नहीं थे। कैंप ऑफिस में बैठ, बताती है, कैंप ऑफिस में जाकर के बैठे वो पुलिस अधीक्षक के कैंप कार्यालय में, और पुलिस अधीक्षक के SP साहब के कैंप ऑफिस में महिला SHO भी हैं और SP साहब भी हैं। महिला SHO कह रही हैं, जो शिकायतकर्ता, पीड़िता बताती हैं, जो शिकायत में लिखा हुआ है
कि महिला एसएचओ उनसे कहती है कि आज घर में कोई है नहीं, आप जाके चाय बना के ले आओ। पीड़िता कह रही है कि जब मैं चाय बना करके आई तो महिला जो एसएचओ थी वो उस कक्ष से गायब थी। और यहां पर आरोप लगाया है पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक पर कि उन पुलिस कप्तान साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया अभद्रता करने के लिए। शिकायतकर्ता कहती है कि बिलखते हुए वो, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं एक खानदानी घर की लड़की हूं, ठीक है, मैं नौकरी करती हूं और नौकरी करना, और इसके अंदर खानदानी या बेखानदानी की बात नहीं है, नौकरी करना और अपने जो व्यक्ति के जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा और अस्मत है उसकी रक्षा करना उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और नौकरी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करना, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नौकरी है, वो उसका एक कार्य क्षेत्र है, आजीविका पालन करने का एक तरीका। पीड़िता कह रही है कि जब वो पुलिस कप्तान साहब ने उनको छेड़ने की कोशिश की या जो बात सब चली जो भी हुआ, वो वहां से कमरे से कैंप ऑफिस से बाहर निकल गई। वहां एसएचओ को बताया तो एसएचओ ने कहा कि थोड़ा सा तुम्हें कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। लानत ऐसी महिला एसएचओ पर जो ऐसा कह रही है। शिकायतकर्ता कहते हैं कि उसके बाद में वो डीएसपी साहिबा से मिली, वो डीएसपी साहिबा भी महिला है, और कह रही है डीएसपी साहिबा ने उनसे कहा कि कंप्रोमाइज और अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर दे तो ठीक रहता है। शिकायतकर्ता तो इससे बढ़के आरोप आगे लगा रही है कि अगर कॉरपोरेट कर दो, कॉपरेट कर दो, यानी कि कॉपरेट का मतलब सहयोग कर दो, तो फिर प्रमोशन भी मिलेगी और रुपयों में खेलोगे। प्रमोशन यानी कि नौकरी के अंदर उच्च स्तर पे जाने के लिए, और रुपया यानी कि जो अवैध कमाई है उसको कमाने के लिए आपको समझौता कर लेना चाहिए, ये डीएसपी साहिबा ने कहा। शिकायतकर्ता ने इस पत्र के अंदर जो आरोप लगाए हैं दोस्तों, बड़े गंभीर हैं, बहुत संगीन आरोप हैं। अगर वो सच हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, अगर वो शिकायतकर्ता ने झूठ आरोप लिखा है, अगर गलत लिखा है, तो फिर उसकी भी जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता यही नहीं रुकी हैं, उन्होंने उस एप्लीकेशन में, दरख्वास्त में यहां तक लिखा है कि जो पुलिस कप्तान साहब हैं, पुलिस अधीक्षक साहब जो हैं, वो उन्होंने बताया है कि उनका परिवार कहां रहता है, जो उनकी बीवी बच्चे हैं उनके बारे में कहा, और साथ साथ ये भी कहा है कि वो जो उनकी पिछली अपॉइंटमेंट थी उनका, वहां भी सब यही चलता था। आरोप लगाया है कि इससे बढ़कर एक गंभीर आरोप और है दोस्तों। उस शिकायत के अंदर एक विधायक का भी नाम लिखा है और कहा है कि विधायक महोदय, जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि एक बार विधायक साहब के पास वो बात कही थी, एक महिला पुलिसकर्मी को जो विधवा महिला थी उनके साथ में कोई ऐसा ही कोई इशू था पुलिस अधीक्षक का। बताती हैं कि वो महिला एसपी के पास, जो महिला एसपी की शिकायत लेकर के विधायक से मिली थी, तो विधायक ने कहा था कि जो अमुक महिला जो है, जो आपको शिकायत करने आपके बारे में आई है, वो मेरी बहन जैसी हैं और आप ऐसा ना करें, गलत तरीका है। बताते हैं उसके बावजूद भी उस महिला की एसीआर खराब कर दी गई, उन महिला पुलिसकर्मी की। अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा बन जाता है, गंभीर विषय बन जाता है। एक विधायक का नाम जो बता रहा हूँ मैं आपको लिखा है कि विधायक जी ने उन महिला की मदद की, सहायता की और उस शिकायत पर संज्ञान लिया, पुलिस कप्तान से कहा कि मेरी बहन जैसी हैं, उसके बावजूद एसीआर खराब हो जाती है, यानी कि राजतंत्र पर अफसरशाही कितनी हावी है, इससे ये बात जाती है इस बात से। खैर, इससे जो और बहुत बड़ा गंभीर आरोप है दोस्तों, हनी ट्रैप के मामले आज बहुत बड़ा, खासकर पुलिसिंग के लिए, पुलिस व्यवस्था में हनी ट्रैप के मामले आज नासूर बन चुके हैं। और उस शिकायत में तो यह आरोप लगाया गया है कि वो जो महिला एसएचओ हैं वो हनी ट्रैप गैंग चलाती हैं। कह रहे हैं कि उस शिकायत में ये कह रही हैं कि महिला थाना प्रभारी हनी ट्रैप गैंग चलाती हैं, उस हनी ट्रैप गैंग के अंदर कई युवतियां हैं, कुछ युवक भी हैं, शिकार फंसाए जाते हैं और फिर मोटा पैसा लेकर के निपटाया जाता है। हनी ट्रैप का यही है कि किसी को अपने जाल में फंसा लेना, उसके बाद में उससे उसके एवज में मोटा पैसा मांगना या उसके एवज में उसका चरित्र हनन करना, ये सारी बातें उस शिकायत के अंदर लिखी हैं। एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर जो उस एरिया के, यानी कि जो बांगर के एरिया के जो आईजी साहब हैं, हिसार रेंज बांगर का एरिया मानी जाती है, और हिसार के आईजी साहब कह रहे हैं रवि किरण जी कि अभी उनको ना तो कोई शिकायत मिली है और ना ही किसी प्रकार के जांच के आदेश मिले हैं। एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर मैं देख रहा था, दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर।
मामले पर संज्ञान लेने की बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पंडित मोहनलाल बड़ौली जी भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस प्रकार का अगर ये जो पत्र वायरल हो रहा है, जो शिकायत वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया पर वायरल इस शिकायत के अंदर जो शिकायतकर्ता महिलाएं हैं, शिकायतकर्ता महिला पुलिसकर्मी हैं, बताया जाता है आधा दर्जन के आसपास हैं जिनके दस्तखत हैं उस शिकायत पर, और उन्होंने मीडिया के लोगों से भी कहा है कि आप इस मामले में हमारी मदद करें। मैं आपको जो बता रहा था वीडियो के शुरू में कि इस शिकायत से तीन बातें सामने आती हैं। सबसे एक बात तो ये कि पुलिस के महकमे के अंदर जो है, पुलिस विभाग के अंदर जो है, मेरी भी एक पुलिस के एक आलाधिकारी से बात भी हो रही थी और बता भी रहे थे, वो भी कह रहे थे, पुलिस के एक अधिकारी हैं, बता रहे थे कि वाकई जो महकमे के अंदर, पुलिस महकमे के अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक के जो कर्मचारी हैं उनके साथ तो कई प्रकार की बातें हो जाती हैं, शोषण होता है, अन्याय होता है और वो उसको बर्दाश्त करते हैं और बड़ी विडंबना है कि वो उसकी शिकायत तक नहीं कर पाते, वो उसकी शिकायत तक नहीं दे पाते। इसलिए मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरू में कि जिनके पास सबको न्याय देने की ड्यूटी है, अगर वो अपने लिए न्याय नहीं ले पाते, और फिर जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, जिनको न्याय का काम करना है, जिन्होंने शपथ ली है वर्दी पहनते हुए न्याय करने की, और अगर वहां फिर ऐसी बात आती है तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं, खाकी पर कई सवाल खड़े होते हैं। और दोस्तों जब खाकी पर सवाल खड़े होते हैं तो फिर समाज में इसका संदेश अच्छा नहीं होता, क्योंकि खाकी को हित रक्षक माना जाता है, खाकी को न्याय के रक्षक माना जाता है। मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर सवाल उठते हैं। शिकायत के अंदर जो महिला शिकायतकर्ता हैं, जो पीड़ित बता रही हैं, जो उसको अनुरोध पत्र कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इसमें न्याय जरूर हो, इसकी जांच जरूर हो, इसकी तफ्तीश जरूर कराई जाए, और ये पुलिसिंग का पार्ट है, जांच कराना, तफ्तीश कराना, तस्दीक करना कि क्या बात थी, क्या नहीं थी, क्या सच था, क्या झूठ था। क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं चिट्ठियां, और सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चलता है आप उसमें मान करके चलें, क्योंकि सोशल मीडिया को एक तरह से एक मंच माना गया है कि जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं, उस पर बातें सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं। सोशल मीडिया का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, जितना सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है दुरुपयोग भी उससे कहीं ज्यादा भी हो रहा है। लेकिन जब तक जांच ना हो तब तक, जांच के बाद तथ्य सामने ना आए उस तक कुछ कहना तो नहीं जा सकता, कहना कुछ भी उचित भी नहीं होता कि क्या सच है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि हरियाणा के अंदर अभी नई नई सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, और हरियाणा की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई है। ऐसे मामले की गंभीरता से और गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब जनता का अगर भरोसा उठ जाएगा, अगर जनता का न्याय प्रणाली से, शासन प्रणाली से, राजतंत्र से भरोसा उठ जाएगा अगर, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं बचेगा। और ये शिकायत ऐसा संदेश और संकेत दे रही है कि हरियाणा सरकार को, हरियाणा के खासकर गृह मंत्रालय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्रालय है, इस शिकायत पर संज्ञान लेकर के और इसकी गंभीर गहन जांच कराना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस कप्तान का कोई दोष है तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और अगर ये शिकायत गलत है तो फिर शिकायतकर्ताओं पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं खाकी और सरकार दोनों की छवि धूमिल होती है। और जो मैंने आपसे कहा कि जब छवि धूमिल होती है या फिर जब अविश्वास होता है तो फिर उसके बाद में बड़ी परेशानियां और कठिनाइयां सामने आती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको अपने वीडियो के शुरू में कहा, खासकर पुलिस महकमे के लोग भी हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पुलिस के महकमे के अंदर जो छोटे कर्मचारी हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर के, और या उससे थोड़ा सा ऊपर, क्या वाकई उनके साथ कहीं कोई शोषण होता है, और क्या वाकई इस प्रकार की खाकी की डोर में बंधने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके साथ शोषण अन्याय की बात हो तो भी कहीं उसका किसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाते। आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।